सहरसा पुलिस ने बीते दिनों हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से लूट के 1,15,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बीते 2 मार्च को संत नगर निवासी सुनील कुमार ठाकुर से 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने 7 लाख रुपए लूटे थे। घटना के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसके बाद एसआईटी टीम ने नवहट्टा थाना क्षेत्र से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे पहले भी लूट कांड में शामिल 2 अपराधियों को बीते 15 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। पुलिस टीम ने लूट की 7 लाख रुपए में अब तक 3,89,000 रुपए ही बरामद किए हैं। घटना में शामिल एक अपराधी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मार्च को यहाँ पर संत चाणक्यपुरी स्थित जो राइस मिल है, वहाँ पर एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली भी लगी थी। एसआईटी टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के अंडर में, और जिला सूचना इकाई सदर थानाध्यक्ष सिमरी बख्तियारपुर के थानाध्यक्ष और प्रशिक्षित डीएसपी के द्वारा इस कांड का उद्भेदन हुआ था, और इस उसमें से ऑलरेडी 2 लोगों की गिरफ्तारी। शेखपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के पास यादव ब्रांड गिरोह के कुछ अपराधियों ने एक युवक परमेंद्र के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि उस मारपीट का वीडियो भी वायरल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही इसी गैंग के अपराधी एक युवती को सरेराह छेड़ रहे थे। जब उसके भाई ने विरोध किया तो अपराधी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, और इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे परमेंद्र की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपराधियों का विरोध करते हुए युवक को बचाया। इसके कई दिनों बाद ये गैंग परमेंद्र को ढूंढकर उसके साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित ने थाना में लिखित आवेदन भी दिया है, जिसके बाद उसने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, ये गिरोह पहले भी जिले के बंगाली पर मोहल्ले में एक युवक को नंगा करने के बाद दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल भी हुआ था। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बीस तारीख को सम्राट मॉल के पास एक लड़का और लड़की, दोनों भाई बहन था, उसके साथ छेड़खानी हो रही थी, तो उसके भाई को 4-5 लोगों ने मारने लगा। उसके बाद मैंने बचाव के लिए गया तो हमसे भी हाथापाई हो गई और मैंने भी अपने बचाव के लिए मारा। उसके फिर बाद कल हम अपना रेस्टोरेंट जा रहे थे, जहां हमको बस स्टैंड के पास पकड़। बगहा में पुलिस की दबंगई उस वक्त देखने को मिली जब एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार शराबी को पैसे लेकर छोड़ने की फिराक में था, मगर मीडिया कर्मियों की नजर पड़ते ही पुलिस आग बबूला हो गया और मीडिया कर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी। दरअसल रामनगर पुलिस अनुमंडल के गोवर्धना थाना में तैनात एएसआई उमेश रजक ने शराबी से घूस लेकर उसे रिहा करना चाह रहा था, तभी वहां मौजूद एक स्थानीय पत्रकार ने पुलिसकर्मी की फोटो ले ली। पुलिस के जवान ने फोटो डिलीट करने के लिए पत्रकार की पिटाई कर दी। इस मामले की शिकायत करने के बाद एसपी किरण कुमार यादव ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला मुंगेर का है, जहां अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े मुंगेर किला के दक्षिण गेट के पास एक अधिवक्ता को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता अपनी बाइक से घर आ रहे थे और उनके साथ उनका भांजा भी था। गोली अधिवक्ता के गले में लगी है, जहां गंभीर हालत में उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी पटना रेफर किया गया है। इस घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये हम लोग सबको ही जान रहे हैं, ये बार बार अखबार में आप लोग भी छाप रहे हैं, हर जगह का है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो खौफ था नीतीश जी के पहले 5 वर्ष में, वो अब रहा नहीं अपराधियों में, और ख़ास करके अधिवक्ताओं के साथ। सारा महकमा जो है सो अपने बचाव के लिए लगा हुआ है सारा प्रूफ, मगर अधिवक्ता बिल्कुल, जिस जो कि फांसी के केस में लड़ता है, रेप के केस में जाता है, उसके सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो नियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 5 व्यक्ति जख्मी हो गए, जबकि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बनगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
ये भी बताया जा रहा है कि सभी लोग होली मनाने सहरसा से जलई ओपी क्षेत्र स्थित शंकर थुआ अपने गांव जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना से परिवार वालों में होली की खुशी मातम में बदल गई है। जहानाबाद जिले के अरवल एनएच 110 के बभना गांव के नजदीक स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तीन लोग बाइक पर सवार होकर जहानाबाद से अपने गांव सलीमपुर जा रहे थे और इस दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस मामले में SDPO राकेश कुमार पांडे ने दो लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल की आमने सामने से टक्कर हुई है। इसमें मोटरसाइकिल पर जो सवार थे, ऐसा लग रहा है किस पर कौन सवार थे अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन एक ही परिवार के ये अजय शर्मा और उनके भाई दीपक शर्मा और उनका पुत्र हरिओम अजय शर्मा इंजर्ड हो गए थे, जिसमें दो की मृत्यु यहाँ सदर अस्पताल में हुई है। एक जो है अजय शर्मा।